इसराइल कैनाल की खुदाई करने शंभू बॉर्डर पहुंचे इनेलो कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारियां। आईएलडी नेता भी चौटाला, प्रधान अशोक करोड़ा समेत कई वर्करों को हिरासत में लिया गया। पंजाब पुलिस ने हटाई बैरिकेडें। इनेलो ने हरियाणा की तरफ से की एसवाइल कैनाल की खुदाई। इनेलो नेता अभय चौटाला बोले, पंजाब से पानी लेना हमारा हक, हरियाणा की सरकार पर साधा निशाना। एसवाइल पर इनेलो के कदम का शिरोमणि अकाली दल और पंजाब कांग्रेस ने भी किया विरोध। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, एसवाइल पर हो रही है सियासत, 10 साल तक क्यों चुप रहे इनेलो और अकाली दल। इनेलो के खिलाफ कपूरी में रैली करने जा रहे बैंस ब्रदर्स को पटियाला पुलिस ने नहीं जाने दिया कपूरी, पटियाला में ही रोका गया। लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता दाना मंडी में दे रहे हैं धरना। एसवाइल पर चल रही सियासत के चलते अंबाला से राजपुरा के बीच NH1 बंद। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ट्रैफिक में बड़ा फेरबदल, लगा लंबा जाम, लोग परेशान। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का ऐलान, 26 फरवरी को मनाया जाएगा काला दिवस, 1 मार्च से शुरू होगा असहयोग आंदोलन। हरियाणा की सड़कों पर परिवहन विभाग की डुप्लीकेट बसें चलने का हुआ खुलासा, परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार ने दी जानकारी, 2 डुप्लीकेट बसों को कब्जे में लेकर शुरू की गई कार्रवाई। कुरुक्षेत्र में फौजी पर लगा टीटी को चलती ट्रेन से नीचे फेंकने का आरोप, टीटी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर, जांच में जुटी पुलिस। 1 मार्च से 7 अप्रैल तक हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र, विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी की तैयारी, विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष से की सहयोग की अपील। शिमला नगर निगम ने नए वित्तीय वर्ष के लिए पारित किया 401 करोड़ 67 लाख का बजट, बीजेपी और कांग्रेस बोली, बजट में कुछ नहीं खास, शहर की किसी भी समस्या को नहीं किया गया हल। बिलासपुर में एम्स शिलान्यास के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का दावा, एम्स को सौंपी 650 बीघा जमीन, बाकी के लिए केंद्र के पाले में डाली गेंद। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का पलटवार, बिना अड़चन के जमीन दे प्रदेश सरकार, तभी होगा शिलान्यास।